ओके, सब अटोमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है ना, या फिर इनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अंकित शर्मा को तो ये भी नहीं पता, इज दिस फर्स्ट क्लास, कौन सी दुनिया में हूं बेटा। बेटा सब न्यू है इस बैच के अंदर, बैच ही न्यू है ये। और मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को, जिस किसी को कुछ भी क्वेरी हो, कल मैंने स्पेशल क्लास ली थी उसका लिंक मांग रहे हैं कुछ लोग, थोड़ा सा स्पून फीडिंग से आगे बढ़े आप लोग। ओके, मेरी प्रोफाइल में जाएं, स्पेशल क्लास सर्च करें, वो आप लोगों की क्वेरीज को खत्म करने के लिए ही वो स्पेशल क्लास ली थी। जितनी भी आपकी क्वेरीज हो सकती है ना, उन सबका आंसर वहां पर है। तो अपनी क्लास का टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने फीस दी है इसके लिए। ओके, तो अगर आप क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टिव वर्क ना करके उसको डिस्टरबेंस के अंदर खत्म करेंगे तो लॉस किसका है? सर का तो नहीं है, सर तो अभी बातें करने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही जो सब कुछ मैंने कल बताया था वही आज बताने लग जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली लॉस किसका है? तो थोड़ा सा समझदार बने। ओके, कोई भी क्वेरी आपकी इतनी अर्जेंट नहीं है जितना अर्जेंट आपकी पढ़ाई है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानना अपने को जरूरी है। देखो एकदम बेसिक से मैं चीजें पढ़ाता जा रहा हूं, और शांति से अगर पढ़ेंगे तो बहुत मस्ती आएगी पढ़ने में, अदरवाइज वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी, फिर इस नए बैच को स्टार्ट करने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। आप लेट कमर बच्चों के लिए ही मैंने ही थोड़ा सा एफर्ट करके नया बैच स्टार्ट करवाया, तो थोड़ा सा समझे उसे। तो ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है, और वो तीन टाइप के ही अपने को कंसिडर करना है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज फॉलोइंग। तो वो कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे आपको पता भी है। पहले टाइप के पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। दूसरे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं कौन से? न्यूट्रॉन्स। एंड तीसरे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये आई थिंक आप लोगों को 9th क्लास से याद भी है कि तीन टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर? अगला चैप्टर जो अपना आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर अपने को सिर्फ इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है ना। तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं ये सब नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो इस टाइप से एक टेबल बना लो, ये एक ऐसी टेबल बनेगी जो आपको आपकी इंजीनियरिंग तक इवन उसके बाद भी याद रखना है, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होगी जो किसी को भी पता चलेगा कि आप साइंस बैकग्राउंड से, तो वो मानकर चलेगा तो ये तो आती होंगी आप लोगों को। कि सपोज आप कौन बनेगा करोड़पति के अंदर जाते हैं, केबीसी के अंदर जाते हैं, वहां पे बच्चन साहब एक क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि मास ऑफ वन प्रोटोन कितना होता है, और अगर आपको नहीं आता है तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी वो समझ में आना आपको आ जानी चाहिए, क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट है। तो ये ऐसा नहीं है कि अपने को इस चैप्टर के लिए याद रखना है, इसको अपने को फॉर द सेक ऑफ साइंस ही याद रखना पड़ेगा। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या याद रखेंगे? मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, और उनके ऊपर किस टाइप का चार्ज होता है, और उस चार्ज का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना।